क्वालिटी तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। तो आज के टाइम में ऐसा है कि क्वांटिटी भी चाहिए, क्योंकि मान लो अगर सचिन तेंदुलकर है वो भी नेट्स में 500 बॉल खेलते हैं फिर बोलते हैं यार अभी भी फील नहीं आ रही है, तो मतलब क्वांटिटी भी इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि चलो सिर्फ क्वालिटी कर दी और हो गया काम, दो घंटे प्रैक्टिस कर दी वो इनफ है। वो क्या है कि जो है वो एक डिमांड है, डिमांड सेल्फ डिमांड भी होती है और जो तुम्हारे में जो चाहिए डिमांड खुद की डिमांड के अभी तुम्हारे में कितना टैलेंट है, तो तुम्हें कौन से लेवल पे खेलना है, तो उसके हिसाब से आप में कितना टैलेंट होने चाहिए, आपके कॉम्पिटिटर्स उस हिसाब से कैसे होंगे, आपको किन लोगों को कॉम्पीट करना होगा, क्या क्या आपके सामने आ सकता है, ये पूरा क्या है सब, ये सारी चीज़ें पूरी हाइड होती है, ये कभी तुम्हें अभी इधर बैठे बैठे पता नहीं होता, वो तुम जब जाते हो खेलने के लिए जब कॉम्पिटिशन होती है उस टाइम आप सब देख पाते हो कि लोग क्या है और हम क्या है, उस हिसाब से आप अपने आप को एक तैयार कर सकते हो और अपने आप में एक आदमी खड़ा कर सकते हो कि मुझे अब इन लोग को कॉम्पीट करने के लिए मुझे इतना परफॉर्म करना है, तो मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्या है कि आप स्मार्ट वर्क की बात करते हैं और क्वांटिटी की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हर रोज़ आप दो घंटे खेलो तो इनफ है, क्या आपको पूरा टाइम बिताना होगा, काफ़ी टाइम बिताना होगा, क्योंकि क्या है तुम्हारा बॉडी सेटिस्फेक्शन भी चाहिए और माइंड सेटिस्फेक्शन भी चाहिए, ठीक है। तो आपको हर शाम को और हर सेशन को ख़त्म होने के बाद आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैंने आज कुछ किया है तो मुझे आज कुछ इम्प्रूवमेंट मिला है, ठीक है, और मुझे ये चीज़ करने से इतना फ़ायदा हो रहा है, तब मैं उसको कैसे निभाऊँ, कैसे मैं उसको दिखाऊँ, तो मैं अपने आपको प्रूव कर सकूँ, ठीक है। तो अभी क्या है कि दो घंटे तीन घंटे से क्या है कि तुम्हारा जो इम्प्रूवमेंट होता है और तुम्हारा जो ग्रोथ होता है ना वो जल्दी नहीं दिखता है। तो मेरा मतलब यही है कि आप जितने भी घंटे बिताओ, चार घंटे बिताओ या पाँच घंटे बिताते हो, ठीक है, तो उस पर भी एक स्मार्ट वर्क कर सकते हो हर एक चीज़ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार बैट पकड़ लिया, हाथ में बॉल पकड़ लिया तो आपकी ड्यूटी ओवर हो गई, पूरा दिन प्रैक्टिस करते रहो, पर आपको सोचना है और समझना है कि मेरी ज़रूरत क्या है, ठीक है, मैं कहाँ मेरी वीकनेस है, कहाँ मेरी स्ट्रेंथ है, जहाँ वीकनेस है वहाँ आपको ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वर्क करना होता है और उस पर ही ज़्यादा आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि क्या है स्ट्रेंथ तो वैसे भी आपके पास है और वो आपकी ही रहेगी, उसको कोई छीनने नहीं वाला है, हाँ। ना ही वो कहीं जा सकता है, ठीक है। तो जो वीकनेस है आप उसको अच्छे से बनाओ, उसको आप अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो, और जो आपके पास चीज़ नहीं है, जैसे कि आप टीवी में देखते हो कभी आपका कोई आइडल होता है, जैसे कि कोई बॉलर, बैट्समैन, फील्डर कोई भी होता है जो अच्छा एथलीट होता है, तो उसको आप उसको देख के ऐसा सोचते हो कि मुझे ये करना है, ये बनना है, मैं मेरे में ये चीज़ जगाऊँ, उसे ये चीज़ बोलूँ मेरे दिमाग को कि भाई तू ऐसा कर ऐसा कर, पर क्या है कि आप उसको क्रिएट करो, एक दिमाग में आप एक जगह बनाओ, आप एक अच्छी सोच बनाओ कि मुझे ये करना है और मैं आगे ये करना चाहता हूँ और मुझे ये बनना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है।